भाई वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एप्पल बेर है। एप्पल बेर में कीट इतनी जल्दी हमला करते हैं, जैसे और भी कई झाड़ियाँ होती है उनमें भी इतना जल्दी हमला नहीं करते जितना एप्पल बेर की पत्तियाँ खाते हैं। तो ये कीटों का प्रकोप ज़्यादा मौसम जून जुलाई अगस्त का है उसी में ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही बरसात आएगी बरसाती मौसम में हर तरह के कीट पनपते हैं, जो भी मकड़ी वगैरह है और कई तरह की लट वगैरह है, तो वो सारे सब इनके पत्तों पे ही ज़्यादा हमला करते हैं और किसी भी घास फूस को नहीं खाते। अगर एप्पल बेर के पत्ते मिलते हैं तो उनको ज़्यादा खाएंगे, बाकी जो देसी झाड़ियाँ वगैरह है उनको भी कम खाते हैं, इससे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये नाजुक पपीता के पत्तों की तरह नाजुक होते हैं और स्वाद में भी उनको बढ़िया लगता है। और जैसे हार्ड पत्ते वाले पौधे हैं कोई भी, तो उन पर हमला नहीं कर पाते। जैसे चीकू का पौधा है, चीकू के पौधे में आपने देखा होगा कि पत्ते इतने हार्ड होते हैं कि उनमें आसानी से कोई भी मतलब मौसम का भी नुकसान नहीं हो पाता और कोई भी कीट वगैरह भी उसमें नुकसान नहीं पहुँचाता। रीज़न यही है कि उसके पत्ते मोटे हैं, हार्ड हैं, वो हर तरह की मतलब मौसम को भी झेलने वाले होते हैं। और ये इतने नाजुक होते हैं कि ये गर्मी में जल्दी चले जाते हैं, सर्दी में भी इनका प्रकोप ठंड से एप्पल बेर में ज़्यादा रहता है, तो ये नाजुक पौधे जो भी होते हैं उनमें इनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक ही स्प्रे में सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें, ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला भी नहीं है। ये नाजुक कीट होते हैं, एक स्प्रे में पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो ये जैसे टहनियाँ सूखी हुई है, ये वाली, ये जहाँ से भी सूखी है इस टहनी को नीचे से, जहाँ से सूखी है उसके नीचे से काट देनी है, तो ये नई फुटान आ जाती है, इसमें कोई नुकसान नहीं कर पाता। दूसरा, इसमें ग्रोथ भी इतनी जल्दी होती है इसकी, कोई भी आप इस पर स्प्रे करोगे तो उसके 5 से 10 दिन में नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप कोई भी जैसे रिजेंट ले लिया आपने 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, रिजेंट का भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी एक स्प्रे में काम कर जाएगा। दूसरा, अगर वो नहीं तो आप फोस्किल है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं ले रहे हैं तो डीडीफिक्स आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये नाजुक कीट है, इनको मारने के लिए कोई से भी हो वो सारे बहुत ही आसानी से एक स्प्रे में काम कर जाते हैं।